बरडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बंचारी में होली के पर्व पर हुई मामूली कहासुनी को लेकर आधा दर्जन युवकों ने मिलकर कार सवार एक 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर 4 नामजद व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंडकटी थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि होटल निवासी अधिवक्ता लाखाराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका 21 वर्षीय बेटा मोहित वॉलीबॉल का खिलाड़ी है और वह रोजाना अभ्यास करने के लिए उसके पैतृक गांव बंचारी में जाता है। शुक्रवार की रात को करीब 8 बजे मोहित के अभ्यास करने के बाद वह और उसका बेटा मोहित गांव से कार में सवार होकर वापस होटल की तरफ आ रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार होकर आए गांव निवासी अरुण उर्फ अनु, विनोद, यशबीर और धनोज व उनके 2 अन्य साथियों ने उनकी कार के आगे अपनी बाइक को लगाकर कार को रुकवा लिया और कार के रुकते ही विनोद ने पीड़ित की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दिया और यशबीर ने उसे पकड़ लिया। वे धनोज ने उसके बेटे मोहित को पकड़ लिया और अरुण और अनु ने मोहित पर गोली चला दी। गोली मोहित की गर्दन में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सभी आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए पलवल के सिविल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक मोहित की आरोपी अरुण उर्फ अनु के साथ होली के पर्व पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसकी रंजिश रखते हुए शुक्रवार की रात को अरुण ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शनिवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें ये है, कल टेलीफोन पे इतला मिली कि बंचारी गांव में एक मोहित नाम के लड़के को गोली मार दी है, जिस पर वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि भाई उसके वारसान उसको हॉस्पिटल में ले गए। जो यहाँ पर डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब ने वो मोहित नाम का लड़का था उसको मृत घोषित कर दी और उसके पिता लाखाराम है जो होडल कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने शिकायत दी है कि भाई कल 8 बजे वो और उसका लड़का दोनों गांव से अपने होटल के लिए जा रहे थे। जो गांव के हरिजन मंदिर है वहां पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिलों पर आए, इसमें लड़के आए और उन्होंने एक जो अरुण है उसके हाथ में कट्टा था, विनोद ने अपने लाखाराम को बंदूक तान दी और जो उसके साथी था एक वो यशवीर ने उसे पकड़ लिया और धनोज ने उसके लड़के को पकड़ लिया और अरुण ने उसके कनपट्टे पर गोली मार दी। जो इस संबंध में राज्य एफ आई आर 302 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है और दोषियों की तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित की है जिन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इसका मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया गया है। डेड बॉडी वारसान के हवाले की जा रही है। हाँ, मृतक के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये BA कर रहा था और इनका जो पिताजी है वो होडल कोर्ट में एडवोकेट है। ये गांव में आए थे, इनका पीछे से ये बंचारी गांव के रहने वाले हैं, फिलहाल होडल में रह रहे हैं। वजह रंजिश ये है कि भाई 8-9 महीना पहले इनकी कोई होली पे आपस में जो अनु है लड़का जिसने गोली मारने का जो आरोप है उसकी ये मोहित की आपस में कहासुनी हुई थी, उसी वजह से ये आपस में रंजिश बनाए हुए हैं।